हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड, वो भी बिना ईस्ट और बिना ओवन के। गार्लिक ब्रेड घर पर आसानी से बन जाता है और ये क्रिस्पी के साथ साथ टेस्टी भी बनता है। ये एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हो कि ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए। आप इस लिस्ट को नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। एक बोल में हम एक कप मैदा लेंगे, एक टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून गार्लिक ऐड करेंगे क्रश की हुई। उसके बाद हमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून दही, दही खट्टा ही यूज़ करें, 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला लिया है। इसे हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद इसका डो बना लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी यूज़ कीजिए। अब इस डो को हमें अच्छे से मसल देना है ताकि डो हमारा सॉफ्ट और स्टिकी बन जाए, और डो जितना स्टिकी रहेगा उतना ये बेक होने के बाद फ्लफी बनेगा। और यहाँ पे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए डो को अच्छे से मसल मसल कर सॉफ्ट बना लिया है। और डो ड्राई ना पड़ जाए इसलिए ऊपर से हम ऑयल अप्लाई करेंगे और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम बटर और गार्लिक की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में 2 टेबलस्पून बटर लेंगे, उसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून क्रश किए हुए गार्लिक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इस पेस्ट में हम बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गार्लिक बटर रेडी हो चुका है। गार्लिक ब्रेड को हमें बेक करना पड़ता है, इसलिए एक कढ़ाई लेंगे या फिर एक पॉट लेंगे, और मैंने ये पुराना वाला नमक यूज़ किया है जो मैं बेक करने के टाइम हमेशा यूज़ करती हूँ। ऊपर एक स्टैंड रखा हुआ है और इस पॉट को हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। तब तक हम गार्लिक ब्रेड की फाइनल प्रोसेस कर लेते हैं। तो डो को साइड में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। इस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करने के बाद इसे राउंड शेप में बेलेंगे। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे, मीडियम ही रखेंगे, और इसका साइज़ आपको बेकिंग प्लेट के हिसाब से ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने डो को बेल लिया है। अब पहले इसके ऊपर गार्लिक बटर स्प्रेड करेंगे। गार्लिक बटर को हमें ज़्यादा ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ पिज़्ज़ा चीज़। अगर आपके पास मोसरेला चीज़ है तो आप वो यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे नॉर्मल चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स चीज़ यूज़ किया है। उसके बाद हम इसके ऊपर अपने फेवरेट पेजीज रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, तो इसे कवर कर देते हैं। चीज़ बाहर ना आए इसलिए हमें इसे सभी साइड से अच्छे से कवर कर देना है, मतलब कि इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सील कर लेंगे। आप चाहे तो इसे सील करने के लिए पानी का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके ऊपर भी हमें गार्लिक बटर ब्रश कर लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे। इससे ब्रेड जो है वो ब्राउन भी बनेगा, टेस्टी भी रहेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और इसे इस तरह से कट लगा लेना है। ज़्यादा अंदर तक इसे कट नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही कट लगाएंगे, नहीं तो हमारा स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे। इसे बेक करने के लिए मैं एल्यूमिनियम टिन का यूज़ कर रही हूँ, तो इसे पहले थोड़ा डस्ट कर लूँगी और फिर गार्लिक ब्रेड को इसके अंदर प्लेस कर दूँगी। तो फाइनली ये गार्लिक ब्रेड जो है वो बेक होने के लिए तैयार है।
अब इस टिन को हमें केयरफुली पॉट के अंदर रख देना है और अब इसे 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। इसे प्लेट से कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद मैंने प्लेट को रिमूव कर दिया था, तो आप देख सकते हो कि गार्लिक ब्रेड हमारा कम्प्लीटली बेक नहीं हुआ है, तो इसे और 10 मिनट के लिए गैस पर रख दूंगी। ब्रेड को ब्राउन होने में और पूरी तरह से कुक होने में टोटल मुझे 30 मिनट लगे हैं। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है हमारा गार्लिक ब्रेड, तो इस टिन को पहले मैं निकाल लेती हूँ। अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है और आप ये देख सकते हो कि चीज़ मेल्ट हो चुका है अच्छे से। और अगर आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करोगे तो उसका इफ़ेक्ट और भी बढ़िया आएगा। तो ये देखिए फूडीज़, हमारा ब्रेड बहुत ही फ्लफी बन चुका है, कम्प्लीटली कुक हो गया है, परफेक्ट टेक्सचर है। इसे आप किसी भी तरह के डिप्स या फिर मेयोनीज़ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आप खट्टा दही यूज़ करोगे तो ब्रेड और फ्लफी बन जाएगा, क्योंकि खट्टा दही जो होता है वो रिएक्ट करता है सोडे के साथ, इसीलिए ब्रेड हमारा और भी फ्लफी बन जाता है। इसे बेक करने के लिए आप कौन सी भी प्लेट यूज़ कर सकते हो, बस प्लेट के ऊपर आप बटर पेपर रखिए या फिर प्लेट को ऑयल से ग्रीस करिए। बहुत ही इजी है इसे बनाना, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।